हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। तो गाइज, हम शेयर की बात करते हैं। आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, चेन्नई बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका फाउंडेड है 1992 में, 480 रुपये पर है रैमको सिस्टम्स लिमिटेड। काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो गाइज, किसी टाइम पर यह बहुत ऊँचा हुआ करता था, 2750 रुपये के आसपास 2000 में। सो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 480 रुपये में मिल रहा है, और मेरे को लगता है ये काफ़ी ऊपर जाने वाला है ये शेयर, पर थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि अभी इस जब अगर इसका कंपैरिजन करें कुछ टाइम्स पहले, तो गाइज ये किसी टाइम पर 100 रुपये से भी नीचे का शेयर हुआ करता था, और अभी कहाँ से कहाँ चला गया गाइज। कितने मल्टीपल इसने अभी ये कितने मल्टीपल इसका शेयर ऊपर उठा है गाइज, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसकी अगर मैं ये अगर इसको इसकी कंडीशन पढ़ें, इस रैमको सिस्टम्स 203% शेयर प्राइस इंक्रीज इज वेल जस्टिफाइड। जस्टिफाइड है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर इसके पीछे के रिकॉर्ड को देखें तो 2750 रुपये के आसपास हुआ करता था, और एकदम से इतना नीचे गिरा कि ये 100 रुपये से भी नीचे आके रुक गया। उसके बाद ये नीचे कंटिन्यू डाउन जाता गया, और फिर उसके बाद किसी टाइम पर 2015 में 1000 रुपये के आसपास चला गया था, फिर दोबारा से डाउन इतना डाउन चला गया था गाइज, और अभी 480-500 रुपये के आसपास फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि मार्केट ऑफकोर्स मार्केट रिस्की है, तो अभी मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अभी इसको अगर 450 से 450 से नीचे मिले देन यू कैन ट्राई, बट एक रिस्क उस टाइम पर ये भी है कि क्योंकि कंपनी एक टाइम पर ये इतना ग्रो कर रही है, उसके बाद जब डाउन जाता जा रही है कंपनी, देन इतना डाउन चली जाती है कि कंपनी बाद में है ना काफ़ी टाइम ले रही है, इवन कंटिन्यू आपको काफ़ी साल आपको है ना उसमें होल्डिंग करनी पड़ेगी अपने शेयर को। सो गाइस, रिस्क ये, उसके बाद आप ये देखेंगे इसका ग्राफ, तो ऑफकोर्स ये है ना 2015 में दोबारा से ऊपर उठा था, और ये 1000 रुपये के आसपास ही चला गया था, उसके बाद दोबारा से इतना डाउन चला गया था, इतना डाउन जाता गया, और फिर ये 100 रुपये के 100 रुपये से भी नीचे चला गया, और अब भी दोबारा से ये ग्रो कर रहा है। अभी कितना ग्रो करेगा, कितने टाइम तक ग्रो करेगा, ये डिपेंड करता है कंपनी की उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो अगर इसकी न्यूज़ को देखें तो आज एक न्यूज़ है, रैमको सिस्टम्स साइन एग्रीमेंट विद नोमैक। सो नोमैक क्या करेगा वो मैं बता देता हूँ। नोमैक विल बी मॉडर्नाइजिंग ट्रांसफॉर्मिंग इट्स मल्टी कंट्री पेरोल ऑपरेशंस ऑन रैमकोज ग्लोबल पेरोल प्लेटफॉर्म। नोमैक विल बी यूनिफाइंग इट्स पेरोल ऑपरेशन इन 11+ कंट्रीज अक्रॉस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, कवरिंग 2600+ एम्प्लॉइज। सो गाइज, शेयर ऑफ रैमको ये ऑफकोर्स ये ऊपर चला गया था रैमको का शेयर। तो गाइज, काफ़ी सारे काम है। रैमको विल यूनिफाइंग इट्स पेरोल ऑपरेशन इन 11 कंट्रीज अक्रॉस मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, कवरिंग 2600+ एम्प्लॉइज। सो काफ़ी सारे काम है जो कि अभी ये रैमको करेगा, जो कि जिसने कि रैमको सिस्टम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि मॉडर्नाइज पेरोल ऑपरेशन का पूरा काम करेगा ये, और जो इसने रैमको के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया, जो कि आज की ही न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये रैमको सिस्टम ऊपर गया था गाइज। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो ऑफकोर्स इसने फर्स्ट क्वार्टर टोटली प्रॉफिट में निकाला है। अगर इसके अभी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि 3 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड गाइज, इसने 2014 में अपने शेयर होल्डर को प्रीमियम के साथ जो इसने शेयर को डिवाइड किया था, शेयर को स्प्लिट किया था, और जो कि राइट इशू निकाला था उस टाइम पर 1:2 का। तो गाइज, अभी डिविडेंड की हिस्ट्री तो इसकी ज़ीरो है, अभी डिविडेंड इसने अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया, बट इसका क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर देखे तो ऑफकोर्स इसने प्रॉफिट में निकाला है पूरा। अभी सेकेंड क्वार्टर का वेट करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा डाउन आने दें, तभी ट्राई करें, अदरवाइज क्योंकि इतना नीचे गया हुआ है और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आया है, तो गाइज इसको इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि एकदम इतने शॉर्ट पीरियड में ये इतना ऊपर गया है, और शॉर्ट पीरियड में इतना नीचे गया है, और काफ़ी टाइम तक ये नीचे ज़्यादा रहा है, ऊपर कम गया है। सो गाइज, थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी रिस्की है। तो अगर कंपनी के काम को देखें तो ऑफकोर्स काम अच्छा कर रही है कंपनी,
नो डाउट, बट थोड़ा सा वेट कर सकते हैं प्लीज़। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।